Beautiful people, कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टेरा चैनल के ऊपर तो गाइस आज की रीडिंग में कोई कार्ड नहीं हालांकि यहाँ पे दो कार्ड रखे हुए हैं बट कोई कार्ड का यूज नहीं करने वाली हूँ मैं अगर आप लोगों ने नहीं सुना है टी लीफ रीडिंग के बारे में तो कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ टी लीफ रीडिंग इज रियली वेरी यू नो यूनिक वे टू प्रोडिक्ट योर लाइफ इट्स जस्ट लाइक कि आप ये कह सकते हो कि इसके द्वारा हम बहुत कुछ जो है जान सकते हैं काफ़ी कुछ अच्छा होता है इसके अंदर काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है इसके अंदर काफ़ी कुछ पता लगता है हमें जो कि डिफरेंट होता है लाइक एस्पेक्ट से ही डिफरेंट होता है एक्सपेक्टेशन से, ही डिफरेंट, होता, से ही डिफरेंट होता है तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है आज हम ये जानने वाले हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट सेवन डेज के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होने वाले हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है फॉर श्योर ठीक है टाइमलेस रीडिंग ऐसी है कि आप इस वीडियो को जब भी देखोगे जब भी सुनोगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी और फॉर श्योर आपके लिए काम करेगी ठीक है तो बेसिकली आप लोगों ने कुछ नहीं करना है आपने क्या करना है दो कार्ड यहाँ पे दे रखे हैं मैंने ये आपके कंफर्ट के लिए हैं ताकि आप चूज़ कर सके अच्छे से थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है पाइल नंबर वन या फिर कप नंबर वन और पाइल नंबर टू है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ठीक है कप नंबर टू जजमेंट का कार्ड है तो इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए और आपका कप सेलेक्ट कर लीजिए तो जो टू वाला है ना इसको हम साइड में रख देते हैं ठीक है कप है आ, कप है ठीक है इसको हम साइड में रख देते हैं और सेकंड वाला हम लोग चेक इन सॉरी फर्स्ट वाला हम लोग चेक इन करते हैं और लास्ट में ना आप लोगों के लिए मैं जो है गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी फ्रॉम द दे मोनोलॉजी डेक तो मैं डेक को यहाँ रख देती हूँ और इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ पहले हम ना कार्ड्स पिक कर लेते हैं ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए चलिए अब मैं डेक को रख देती हूँ इसको यहाँ रख देती हूँ चलिए तो शुरू करते हैं और uh, मैं बता दूं आप लोगों को फर्स्ट टाइम मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ ठीक है आई डोंट हैव एक्सपीरियंस फॉर वास्ट ऑफ द पीपल ये कैसा क्या रहेगी प्रिडिक्शन मुझे खुद को नहीं पता इट्स रियली वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो फॉर फॉर द ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो बेसिकली कप रख रक रखा है मैंने पाइल नंबर वन चलिए मैं इसको ले लेती हूँ साइड में स्टिंकस देख रहे हो आप लोग लाइक like आपकी ज़िंदगी में अगर मैं देखूं तो कुछ खास मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहते हो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहते हो आपकी ज़िंदगी एकदम स्टक हो चुकी है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आपकी ज़िंदगी में मोर ओवर सब कुछ ठहरा हुआ सा है देख रहे हो आप सब कुछ ठहरा हुआ सा है आपकी लाइफ के अंदर ठीक है तो काफ़ी रुकी हुई सी जिंदगी आपकी कुछ अच्छा सा खास मेरे को यहाँ पे फील नहीं हो रहा है आपकी लव लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा खतम सी ही है लाइक बहुत बहुत सा बहुत सारा स्ट्रेस सा चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर और स्टिंग्स जो है लाइफ के वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और है आपका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा सा खास है ही नहीं लाइक like जिसको आप ये कह सको कि हाँ ये है मेरी लाइफ में और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं आपकी ज़िंदगी में इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी फील करते रहते हो और आप ऐसा सोचते हो कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है ठीक है अगर मैं आपके थोड़ा थोड़ा ना मैं आपके करियर और लव रिलेशन के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ अगर मैं यहाँ पे देखू लव रिलेशन का तो पर्सन के साथ किसी तरीके का सेपरेशन है कोई चीज रुकी हुई है आप दोनों के बीच जो लोग लव लाइफ को लेकर के परेशान नहीं है मैरिज को लेकर परेशान है काफी ज्यादा मैरिज में अच्छी चीजें नहीं हो पा रही हैं ठीक है मैरिज में अच्छी चीजें नहीं हो पा रही किसी की तो शादी डिले हो रही है किसी के घर वालों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है हम्म ओके दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना लाइक बहुत लोगों के लिए तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है जैसे कि दो पार्टनर हो आपके ठीक है जिनके बीच में आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज से चल रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में ना आप सब कुछ सही हो जाए लाइक आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो है कि आप सब कुछ सही हो जाए चीजें स्टेबल हो जाए मेरे लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो जाए और आप परेशान हो दो लोगों के बीच में ठीक है कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके हस्बैंड जो है उनसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे उनकी वाइफ उनसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रही उनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक है पार्टनर बहुत अच्छा है लॉयल है समझदार है बट वो कहीं ना कहीं दो चीजों के बीच में जूझ रहा है अब ये जो दो चीजें हैं ना वो दो चीजें कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर जो है आप हो सकते हो ठीक है या फिर जो भी थर्ड पार्टी है वो सिनेरियो हो सकता है फिर आप हो सकते हो ठीक है जी वो है यहां पे अगर मैं करियर की बात बताऊं तो करियर में भी कुछ खासा मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट सा नहीं नजर आ रहा है आप काफी ज्यादा नेगेटिव रहते हो अपने आप में ही रहते हो क्योंकि देखो क्या होता है ना लाइक like, करियर हो गया आपका लव हो गया ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ है अगर आपका कोई भी एस्पेक्ट एस, एकस, एकस, एकस्पे, खराब होता है तो आपका पूरा का पूरा टेम्पल यानी कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है नष्ट हो जाएगी तो वो चीजें हैं यहाँ पे तो बेसिकली खराब ही चल रही है सिचुएशन है ना चलिए तो मैं चेक करती हूँ कि नेक्स्ट सेवन डेज में क्या होने वाला है नेक्स्ट सेवन डे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन डेज किसी तरीके का अग्दे को सबसे पहले करियर का बताऊंगी मैं आप लोगों को क्योंकि um, जो चीज़ मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि आपके पास किसी तरह की कोई एक करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि आपकी जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है अगर आप लोग कुछ नया शुरू करने वाले हो किसी तरीके का कुछ भी नया शुरू करने वाले हो आप तो उसके अंदर काफी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में ठीक है अगर आप लोग कुछ नया कोई बिजनेस वगैरह करने की कोशिश करने वाले हो ना तो मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप में ही करना क्योंकि काफी सारे स्नेक्स मुझे यहां पे नजर आ रहे हैं काफी सारे स्नेक्स ठीक है तो उन स्नेक्स से बचने की आपको जरूरत है दूसरी चीज वट यू हैव टू डू आपको गायत्री मंत्र का जाप या फिर खुद के लिए प्रेयर्स करनी चाहिए फॉर योर बेटरमेंट ऑफ जॉब क्योंकि नेक्स्ट सेवन डेज में कोई ना कोई ऐसी जॉब आपके हाथ लगने वाली है जो कि आपकी जिंदगी को ना सही दिशा में लेकर आएगी लाइक पलट देगी एकदम अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो ड्यू टू कोविड और समथिंग तो जिंदगी काफी अच्छी होने वाली है नेक्स्ट सेवन डेज के अंदर अंदर ठीक है हो सकता है आपने इधर उधर रिज्यूम वगैरह लगा रखे हो सीवीज लगा रखे हो तो वो कहीं ना कहीं काम करने वाला है ठीक है अगर मैं लव लाइफ में आपको बताने की कोशिश करूं तो लव लाइफ में किसी तरीके का चेंज आने वाला है या तो आपकी जिंदगी में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है ठीक है कोई न्यू पार्टनर आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर या तो या फिर जो चीज मुझे होती हुई नजर आ रही है लाइक like, जो चीज मुझे होती हुई नजर आ रही है वो है कि आप अब परेशान से नहीं रहने वाले हो दो लोगों के बीच में यू विल यू विल मेक योर माइंड फॉर डेट काइंड ऑफ डायरेक्शन कि नहीं बस अब मुझे खत्म करना है ठीक है ऐसा होने वाला है और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर सकते हैं या तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट मिले या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर बोलें कि थोड़ा सा रुक जाओ पहले मैं इस चीज को स्टेबल कर देता हूँ या कर देती हूँ एंड देन वी विल मीट एंड मेक प्लान फॉर आर फर्दर फ्यूचर ठीक है ये चीज़ हो सकती है इफ यू आर टेंस फॉर एनी थिंग लाइक अगर किसी भी चीज को लेकर के आप टेंस होना तो वो टेंस जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी ठीक है तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो काफी कुछ अच्छा होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है गाइस और बस आपको जो है टेंशन नहीं लेना है अच्छा सोचना है मोर ओवर एक चीज और मैं आपको बताऊंगी अगर कोई कोई भी लाइक like, कोई भी हो सकता है देखो जिसके मैसेजेस हैं मैं बता रही हूँ कोई भी अगर अपने बेबी को लेके परेशान है या फिर माँ नहीं बन पा रहे हो या फिर बेबी नहीं मिल पा रहा है तो उस चीज़ की प्रेमेडी निकलने वाली है ठीक है दैट्स ऑल इससे ज़्यादा नहीं है ओके okay, तो मैं कप को तो साइड में रख देती हूँ और आप लोगों के लिए ना गाइडेंस निकालते हूँ ठीक है नंबर वन जिन्होंने अच्छा इसमें तो है कार्ड फाइल नंबर वन जिन्होंने चूज करा था उन लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सी गाइडेंस देख लेते हैं लक इज ऑन योर साइट तो लक आपकी तरफ है जैसा कि मैंने बोला था ये आपके करियर के लिए कार्ड आया है ठीक है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन जैसा कि मैंने बोला था कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी जिंदगी में आने वाली है या तो न्यू पार्टनर आने वाला है आपकी जिंदगी में या फिर आपके ओल्ड पार्टनर आपको कुछ बताने वाले हैं जिससे आपकी होप्स जो है उनमें चार चांद लग जाएगा ठीक है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते रहते हो अगर आपके दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई सब कुछ खराब है और अब तो मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता तो ऑलवेज रिमेंबर वट वी थिंक इन आर प्रेजेंट सिचुएशन डेफिनेटली विल गेट ठीक है तो वो चीजें हैं एक कार्ड और निकालते हैं ये है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान तो आपके जो ड्रीम्स है ना उनको एक प्रैक्टिकल प्लान एक प्रैक्टिकल स्वरूप आपको देना चाहिए ठीक है तो ये कार्ड आपको ये बताता है तो दिस इज ऑल फॉर द टूडेज रीडिंग आई होप यू विल लाइक इट एंड एन्जॉय डिट अलॉट इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आर चैनल पाइल नंबर वन इसी तरीके के रीडिंग्स के लिए और मैं जल्द ही ही जो है um, इंग्लिश जो चैनल है अपना उसके ऊपर भी कप रीडिंग करने वाली हूँ दैट विल बी कलेक्टिव ठीक है क्योंकि यहां पे मैंने पिक अ कार्ड कर दिया लाइक पिक अ कप कर दिया सॉरी तो वहां पे वी विल डू इट एज अ कलेक्टिव रीडिंग तो इफ यू डिड सब्सक्राइब दैट चैनल तो आप जाएं और उसको सब्सक्राइब करें कमेंट सॉरी कमेंट सेक्शन बोल रही हो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है हमारा उसके अंदर मैंने सारे लिंक्स और सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रखा है गो वॉच दिस चैनल एंड मेक श्योर कि आप उस चीज को सब्सक्राइब करें लाइक like करें शेयर करें और जल्दी मैं एक पोल रखने वाली हूँ तो उसके अंदर भी आप प्लीज पार्टिसिपेट करें इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बाय गाइज तो जो लोग अभी बीच में ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैं पाइल नंबर वन का सारा का सारा क्लीन करके औरा और पाइल नंबर टू स्टार्ट करने वाले हूँ सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू जिन्होंने जजमेंट का कार्ड चूज करा था शुरू करते हैं आई होप आप लोगों को जजमेंट मिले आप लोगों को एक नई और सही दिशा मिले ठीक है तो जो हम करने वाले हैं लाइक like, ठीक है तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से ऐसे करके ले लेती हूँ वरना मैसअप हो जाएगा इधर सारा फाइल नंबर टू और कप नंबर टू जिन लोगों ने जजमेंट का कार्ड चूज किया था आप लोगों के लिए आज की जो टीली फ्रेडिंग है वो कुछ इस तरीके से मी चेक फोस्ट क्या आता है क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ हो जाता है समटाइम रीड आउट करना एंड इट्स क्वाइट टफ ओके लाइफ इज लाइक गो ऑन चल रही है चल रही है यू नीड सममेंट इन योर लाइफ आप कुछ एक्साइटेड चाहते हो अपनी जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो कुछ बिग करना चाहते हो अपनी लाइफ में चाहे लव लाइफ हो चाहे आपका करियर हो यू वॉन्ट समथिंग मोर यू वॉन्ट समथिंग बिग इन योर लाइफ बट आप वो चीज़ uh, ले नहीं पा रहे हो वो चीज़ आप पिक नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर इनडिससिव नेचर ठीक है आप एक तो आपका ना काफी ज्यादा या तो आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो या फिर आप बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते हो ठीक है और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूं ना वो है कि यू हैव इंसाइट लाइक आपको इंट्यूशंस आते हैं यू यू आर जस्ट लिटिल साइकिक ठीक है you, you psychic, आपके दिमाग में वो चीज आ जाती है लाइक कुछ भी होने वाला होता है ना तो उससे पहले ही आपके दिमाग में वो चीज आ जाती है ठीक है हाँ बट आप उस चीज को ना नेग्लेक्ट कर देते हो लाइक like, टोटली totally नेग्लेक्ट करके आप उस चीज को और अपनी ही मनमानी चलाते रहते हो आपका दिमाग कुछ कहता है और आपका दिल कुछ कहता है और आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो यू आर इन देट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि हाँ ठीक है जो मेरा जो दिमाग कह रहा है ना वो सही है जो दिल कह रहा है वो तो बेवकूफ है तो आप कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में जूझते रहते हो ठीक है या तो हो सकता है आपका काफी बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है ठीक है काफ़ी बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है या हुआ करता था बट उस चीज़ से उस साइड से आप निकल चुके हो और अभी दोबारा किसी रिलेशन में आओ तो उस रिलेशन में भी आपको वही सारी चीज़ें जो है महसूस हो रही हैं और अब आप क्या चाहते हो कि ये जजमेंट जो है ना आपको मिले यू वॉन्ट कि आपको जजमेंट मिले आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मुझे जजमेंट चाहिए ही चाहिए ठीक है मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है हमेशा मुझे कुछ अच्छा चाहिए अपनी लाइफ में एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर पर्सन कमिटमेंट और समथिंग लाइक जो मैं पिक कर पा रही हूँ यू आर वेटिंग फॉर योर पर्सन कमिटमेंट और यू आर वेटिंग फॉर कि यह जो पर्सन है कुछ अच्छा करे मेरी जिंदगी में या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में आए यू आर इन दैट काइंड ऑफ फेस ठीक है दूसरी चीज जो मैं पे देख रही हूँ यू वांट अ करियर स्टेबिलिटी यू वांट अ ब्यूटीफुल पाथ यू वांट अ ब्यूटीफुल करियर इन योर लाइफ आप बहुत कुछ अच्छा अचीव अच्छा अच्छा करना चाहते हो अपनी जिंदगी में लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर डिसीजन मेकिंग रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर है आपके अंदर आप चीजों को ना सोच समझ के नहीं करते हो बस कर लेते हो ठीक है आपके दिमाग में रहता है कि चलो कर लो इट्स ओके okay, जो होगा सो देखा जाएगा ठीक है या फिर आप अपनी चीजों को किसी से शेयर नहीं करते हो आप लोगों से उनके अपने एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहते हो एंड यू आर लाइक इन दैट काइंड ऑफ फेस कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा मैं इससे शेयर क्यों करूँ ये कहीं मुझ पर हंसेगा तो नहीं ये तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा और इन सब चीजों में आपका सब कुछ काम धरा रह जाता है दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ कि काफी लोगों के साथ उनके कार्मिक नार्किस्टिक फैमिली है या फिर फैमिली में कोई मेम्बर है या फिर कोई रिलेटिव है या फिर कोई कजन है कोई सिबलिंग है जो कि उनको ना चौबीसों घंटे टॉन्ट मारता रहता है सरकिज्म करता रहता है ठीक है ये चीजें भी हैं सो लेट्स गेट चेक नेक्स्ट सेवन डेज थ्री फोर ओके इनसाइट्स देखो नेक्स्ट सेवन डेज में मुझे मनी मैटर में तो कुछ अच्छा खासा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फॉर श्योर sure. अभी जो भी चल रहा है आपका सिनारी वो ही चलने वाला है आई नो इट्स इट्स लुकिंग लाइक अ रियली वेरी मैस बट ऐसे ही होता है <laughs> अगर मैं क्लियरली बताऊं तो करियर में तो कुछ अच्छा खासा मुझे नहीं दिख रहा है इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि अभी जो भी चल रहा है ना उससे और भी ज्यादा बुरा ही चले लाइक like, ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना अच्छा करने की कोशिश करो उतना बुरा हो आपके साथ ठीक है तो कुछ अच्छा तो मुझे यहां पे नहीं दिख रहा है फॉर श्योर sure. हाँ। रही बात अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है ठीक है कोई भी न्यू पर्सन आ सकता है कोई न्यू पर्सन जो कि आपकी जिंदगी को एक नई रोशनी देगा एक नया जो जो आपने एक कुआ बना रखा है ना अपने अंदर एक खाई बना रखी है उस चीज को ना निकाल करके आपके सामने ला करके पेश कर देगा कि देखो इन सब चीजों को खत्म करो अपनी जिंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करो थोड़ा सा इसका जो वाटरी कंसिस्टेंसी है ना इसको खत्म करने दो मुझे अभी ठीक है ओके एंड द नेक्स्ट आई एम सींगेर इज ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पार्टनर के ऊपर ना इजीली ट्रस्ट ना करो ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पार्टनर को बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करो ट्रस्टवर्दी ना समझो और आप उसको भगा दो अपनी लाइफ से बट ट्रस्ट में गाइस आप उसको भगाएं ना पॉजिटिवली होकर उसका वेट करें फॉर श्योर sure, ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है जो कि आपका सोलमेट है और ये पर्सन आपको जजमेंट देने वाला है ठीक है दिस पर्सन विल गिव यू जजमेंट फॉर श्योर ये पर्सन आपके लिए वही इंसान है जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे हो देखो पाइल नंबर वन यानी कि जो फर्स्ट वाला जो रीडिंग किया था ना उसमें तो मुझे कोई एस सच इनिशियल फील नहीं हो रहा था बट यहाँ पे आई एम गेटिंग वाइब ऑफ़ आई ए और पी ठीक है आई ए और पी की वाइब्स आ रही है यहाँ पे आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करने वाला है कितने लोगों से रेजोनेट नहीं करने वाला है बट दिस इज वोट आईम सींग जो मैंने आपको बता दिया एंड नेक्स्ट सेवन डेज़ में करियर में तो ऐसा कुछ खास मुझे नहीं नजर आ रहा है इनफेक्ट हो सकता है आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाओ बट लव लाइफ में यू विल गेट सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ अ गुड न्यू पर्सन इन योर लाइफ और कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो जो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया नया उछाल लेकर आएगा एक नई ऊर्जा लेकर आएगा ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग आई होप यू विल लाइक इट चलो चेक कर लेते हैं इसका कप को तो मैं यहाँ रख देती हूँ ये थोड़ा सा यार फैल गया है यहाँ पर कहते हैं ना एक्साइटमेंट में और जल्दीबाजी में ना चलिए तो गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं एक बार जो कि मैंने आपको बोला था कि हम गाइडेंस कार्ड देखने वाले हैं फॉर श्योर चलिए चेक करते हैं मन में गायत्री मंत्र या प्रेयर जरूर की होगी आप लोगों ने आई होप सो सो फाइल नंबर टू पीपल फॉर यू गाइडेंस इज स्टेप आउट ऑफ योर comfort जोन या डेफिनेटली आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये बंदा भी वैसा का वैसा ही है या ये बंदी भी वैसी की वैसी है तो काम नहीं बनने वाला देखो जो चीज मैंने बोली थी वही कार्ड में है ठीक है सो स्टेप आउट करो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो आपने जो एक खोल बना लिया ना उस खोल से बाहर सी 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 एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड prosperity लाइज ahead. तो so, प्रोस्पेरिटी आपके लिए बहुत ज्यादा नीडेड है और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज तो कुछ न्यू होने वाला है आपकी जिंदगी में फॉर्श sure एक नई नई होप सॉरी एक नई होप एक नई ऊर्जा आने वाली है आपकी जिंदगी में ठीक है जो कि आपकी जिंदगी को एक अलग ही एक अलग ही एहसास देगी मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट तो आपके लिए थ्री गाइडेंस यही है कि आपने क्या करना है पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं प्रोस्पेरिटी को इंपॉर्टेंस देनी है मेडिटेट करना है एंड वट डू यू नीड टू रिलीज गाइज दिस इज अ क्वेश्चन फॉर दोज पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ ट्रामाज सम काइंड ऑफ चाइल्ड हुड इशूज कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उनको उनकी टांग पकड़ के खींचते रहते हैं तो उन लोगों के लिए यह है दैट यू हैव टू रिलीज ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल नेगेटिव ओराज नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर लाइफ एंड डेफिनेटली यू विल सी एंड कैच दी मैजिक इन योर लाइफ ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर टू और द कप नंबर टू अगर आप लोगों को पसंद आई है ये रीडिंग तो प्लीज से इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इसी तरीके की जो है कलेक्टिव रीडिंग मैं इंग्लिश चैनल के ऊपर और अपलोड करने वाली हूँ सूनर काफ़ी जल्दी लाइक like, लेटर नहीं बोलोगे बहुत जल्दी ठीक है तो ये पिकअ कार्ड रहीं पिकअप पा, पिकअ पाइल और पिकअ कप रही वो रहेगी कलेक्टिव सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है गो एंड वॉच द वीडियोज ऑफ दट चैनल रेगुलरली मैं अपलोड करने वाली हूँ अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे उस चैनल के ऊपर तो एंड फॉर श्योर इसका कलेक्टिव वर्जन वहाँ पर आने वाला है जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है वन टू चूज करने में किसी भी तरीके की तो जाएँ उस चैनल को सब्सक्राइब करें अपना प्यार करें इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत सारा प्यार दें और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं बहुत सारा प्यार बाय